नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले हफ्ते हमें आपके बहुत सारे मेल्स मिले हैं, और एक बार फिर उन सभी मेल्स में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम फिर से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अपने इस कार्यक्रम में डिस्कस करें। और इसीलिए हमने सोचा कि हम एक बार फिर दोबारा रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। और आज जिस विषय को हमने इस कार्यक्रम में बात करने के लिए चुना है वो है कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट रिलेशंस, क्योंकि कभी कभी गलती से हम जिंदगी में कुछ गलत लोगों का साथ पा जाते हैं या फिर कुछ गलत रिश्तों में फंस जाते हैं और फिर उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो उस विशेष सर्कल से कैसे बाहर निकले। आज इस पर बातचीत के लिए मैंने एक बहुत ही खास मेहमान को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है, मैरिज और रिलेशनशिप काउंसलर है। डॉक्टर निशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में। थैंक यू सुमेधा टू गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू एंड इंटरैक्ट विद यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। आज हम डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। आप अब तक इतने क्लाइंट्स की मदद कर चुकी हैं, इतने लोगों की मदद कर चुकी हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड द थॉट ऑफ इट आल्सो लीव्स यू डिप्रेस्ड, तो कैसे देखा जाए उस रिलेशनशिप को? आप क्या समझती हैं, क्या वो रिलेशनशिप वर्थ लिविंग या वर्थ कंसिडरिंग भी है? डिफिकल्ट रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो वेदर द अदर पर्सन इज अब्यूजिव टुवर्ड्स यू, मे बी फॉर्म ऑफ निग्लेक्ट ऑल्सो, बिकॉज निग्लेक्ट ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ अब्यूज। दैट पर्सन इज फिजिकली वायलेंट विद यू, एक्नोलॉजिंग इट ऑल्सो अंडर अब्यूज। नाउ वी कैन से दैट डिफिकल्ट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट बी एक्सपेक्टिंग माई पार्टनर शुड कम वोट एट 5 o'clock, okay, but my partner's schedule is busy, is coming at 8 o'clock. For me, it may be a difficult relationship that when he's coming back home, spending time with his family, not giving time to me, so wo mujhe samay nahi dete hain, wo aakar apni family ke sath baat karte hain, thodi der tv dekhte hain, khana khate hain, end mein jab tak wo room mein aate hain wo thak haar kar so jate hain, to hamara interaction nahi hota. mere liye wo relationship bhi difficult ho sakta hai agar mera partner, main kuch bhi bolti hu ya bolta hu, use important consider nahi karta, mujhe value nahi karta, to ise bhi hum difficult relationship bolenge. डिफिकल्ट रिलेशनशिप अगर मेरा पार्टनर मुझसे जोर से बात कर रहा है, मुझ पर स्क्रीम कर रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहा है, तो उसी पर भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप बोलेंगे हम। पहली चीज है, अगर हम किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप में हैं जो हमें डिफिकल्ट लगता है, क्या हम उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पार्टनर मुझ पर चिल्ला रहा है और मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, तो क्या मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही अगर एक पार्टनर ने चीट किया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्या मैं ऐसे पार्टनर के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जिसने मुझे चीट किया? क्योंकि हर इंसान के लिए वो डेफिनेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि डेफिनेशन डिफरेंट होती है तो डेफिनेटली आपका कंफर्ट जोन क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उसको हैंडल आपने करना है, वो भी आप ही का है चॉइस। सो जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में है, तो मेरा ऐसा मानना है सबसे पहले आप एक्नॉलेज करिए आप ऐसी किसी प्रॉब्लम में हैं, आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको पहले एक्नॉलेज करनी है। एक्नॉलेज और एक्सेप्ट, एक्नॉलेजमेंट हेड से होगा, एक्सेप्टेंस हार्ट से होगा, एंड देन यू कैन टेक फर्दर स्टेप्स हाउ वुड यू वांट टू वोकलाइज दोज थिंग्स कि मैं इनमें डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और जब आप वोकलाइज करेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने हैं हमें, सिर्फ क्योंकि कई बार सिर्फ वोकलाइज करने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता। हमने अपने पार्टनर को बता दिया मुझे इस चीज से डिस्कम्फर्ट है, कई बार हमें रीजनिंग भी करनी पड़ती है, मैं किस रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा फील कर रहा हूँ। मे बी वो रीजन ये हो सकता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ ना लगती हो, या सामने वाला एक्चुअली में बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करता हो। हम भी अपने आप में इंफीरियर फील कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली रीजन क्या है, अगर हमें रीजन का क्लैरिटी होगा तो हम सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने कहा एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड हमें अपना पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक सहन कर सकते हैं। ठीक है, मैं मैरिज की आपसे एक बात करना चाहूंगी। मैरिज इज अ वेरी स्ट्रेंज यूनियन। जब भी हम अरेंज मैरिजेस के लिए खास तौर पर जाते हैं, या मैं इवन लव अफेयर्स की भी बात करूंगी, जो किसी भी तरह के इस तरह के अलायंसेस होते हैं, इसमें हम वी गेट टू मीट अ पर्सन वंस और ट्वाइस, या मैक्सिमम हम
छह या सात बार शादी से पहले एक इंसान से मिलते हैं, अगर हम उसके साथ सेटल डाउन हो जाते हैं और गलती से हमारा और उसका वेवलेंथ मैच नहीं करता, जो कि हमें बाद में पता चलता है, ऐसे में उस इंसान के साथ रहना पूरी जिंदगी, क्योंकि अगर आप शादी के कुछ ही समय बाद ये रियलाइज कर जाते हैं तो आपको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि आप तो फंस गए, अब आप ना इससे बाहर आ सकते हैं और ना आप उस इंसान को ठीक से जान पाए थे, तो शायद उससे बड़ा हेडेक और कोई होता नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी दिखती है आपको अपने सामने। ऐसी सिचुएशन में आप एज अ मैरिज काउंसलर, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप किस तरह की राय देती हैं लोगों? देखिए, जो आप बात कर रहे हो मुझे लग रहा है कंपैटिबिलिटी इश्यूज की बात कर रहे हो। दो इंसान बिल्कुल ऑपोजिट है, या हम जिसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑपोजिट को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, सिमेट्रिकल जो एक जैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका स्वभाव, जिनकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। अब देखिए, जब दो लोगों का स्वभाव और सोच अलग है तो हमें एक मिडल पॉइंट पर तो आना होगा, पहली चीज। क्योंकि कई बार जैसे आपने बोला, ऐसा बहुत बार होता है शादी के 10 साल बाद पार्टनर को और कपल को रियलाइज होता है, वी आर नॉट इन अ राइट रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी। तो ये रियलाइजेशन इसीलिए होती है क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ नहीं क्लियर होता, हमारी क्या, हम क्या चाहते हैं रिश्ते से। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में हमेशा लगता है पहले हम अपने खुद की फीलिंग्स के साथ बैठे, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, मैं, मेरे लिए क्या 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बिना मैं रिश्तों में नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। अगर हमने उन 5 पॉइंट्स को, मान लीजिए मेरे लिए वो पॉइंट ऑनेस्टी हो सकता है, मेरे लिए पॉइंट ओपननेस हो सकता है, मेरे लिए वो पॉइंट रिस्पेक्ट हो सकता है, तो अगर हम ऐसे ही कुछ 5 पॉइंट्स लिख लें और देन हम ये सोचे अब हम अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम है हमें उसे पॉइंट आउट करना है, अगर हमें क्लैरिटी है हमें वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो हम उसे नाइस तरीके से पुट अक्रॉस कर सकते हैं। जब भी ऐसे कभी केसेस होते हैं तो मैं ये बोलती हूँ, आप कैसा फील कर रहे हैं या मैं कैसा फील कर रही हूँ, हम आई करके पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस। आपको नहीं लगता कि जो शादी की उम्र होती है, मैं कहती हूँ 25 से 30 साल के बीच में आमतौर पर शादियां होती हैं, ऐसे में क्या इतनी मैच्योरिटी एक इंसान में होती है कि वो ये जान पाए कि उसे एक्चुअली उसके बेसिक वो कौन सी चीजें हैं जो वो अपने पार्टनर में देखता है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों में वो मैच्योरिटी नहीं होती, एंड दे जस्ट सकम टू द प्रेशर, जो भी उनके पेरेंट्स कहते हैं या ये अलायंस तुम्हारे लिए ठीक है, दे जस्ट सकम टू द प्रेशर। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस बात पर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर नहीं होते उन्हें चाहिए क्या। बचपन में क्या होता है, बिना मांगे पेरेंट्स हमें चीजें दे देते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, बिना बोले ही हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप ही नहीं होती, वो एबिलिटी ही डेवलप नहीं होती, हम अपने आप से बैठ कर पूछते ही नहीं, ना ही हमसे पेरेंट्स कभी पूछते बेटा आप क्या चाहते हो। बहुत कम पेरेंट्स इन छोटी छोटी इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन का अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। आपको अगर रिश्तों में क्लैरिटी होती है कि मुझे जिंदगी में मुझसे खुद से क्या चाहिए, क्या मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए मॉनेटरी मनी इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे को दूसरों से मिलना जुलना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है, क्या मैं रिजर्व तरह के इंसान हूं या वैसा रहना पसंद करता हूं या करती हूं। तो ये पॉइंट्स जब हमें क्लैरिटी होती है हमारे बारे में, हम दूसरे के साथ जब रिश्ते में जाते हैं तो हम दूसरे को भी ऑब्जर्व करते हैं, वक्त के साथ हमें लगता है हम यहाँ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम उन नीड्स को वोकलाइज करने की बात करते हैं और फिर सामने वाले से पूछते हैं मेरी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो मैं हमेशा जोर देती हूँ आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 25-30 साल की उम्र में भी अगर आप अवेयरनेस की बात करें, 80% ऑफ पब्लिक को अवेयरनेस लेवल बहुत कम होता है, और किसी को अवेयरनेस लेवल होता भी है तो वो कई बार वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता इंसान, मोटिवेटेड नहीं होता, एजर्टिव नहीं होते, प्रोज एंड कॉन्स को नहीं सोचते, एम्पेथेटिक नहीं होते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। तो ये सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं आपके अपने अपने अवेयरनेस के लिए, इमोशनल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप इज बेसिकली योर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने जो 25-30 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे, अगले 40-50 साल आप दूसरे इंसान और उसके परिवार के साथ गुजारने वाले। तो यानी कि पेरेंट्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डॉक्टर निशा ने बताया कि अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग स्किल्स
पर हमें काम करना चाहिए। शुरू से उनको इस तरह से उनकी कंडीशनिंग करनी चाहिए माइंड की कि वो अपने डिसीजंस लाइफ में अच्छे से ले सके और उन्हें पता हो कि उनके लिए क्या अच्छा और बुरा है। अब आते हैं डॉक्टर निशा उस चीज पे कि अगर गलती से हम एक ऐसे इंसान के साथ हमारा अलायंस हो गया जिसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो अब हम किस तरह से उस चीज को हैंडल करें? देखिए, कंपैटिबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहली चीज कम्युनिकेशन लेवल, क्या दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ रिश्ते में असर्टिव हैं, खुलकर दिल की बात करते हैं? क्योंकि जब इनकंपैटिबिलिटी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, अधिकतर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कपल्स के साथ रहा है, उन दोनों का ही कम्युनिकेशन लेवल एक दूसरे के साथ कम होता है। मे बी दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे आर वेरी असर्टिव, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप वो दोनों एक दूसरे के लिए गुड लिसनर नहीं होते। दुनिया के लिए होते हैं, परिवार के लिए हो सकते हैं, बट शायद एक दूसरे के लिए गुड लिसनर नहीं होते। एक दूसरे के प्रति उन्होंने एक ओपिनियन बना लिया होता है इतने सालों के एक्सपीरियंस में, शायद मैं इसे कुछ बोलूंगा तो ये सुनेंगी नहीं और बात मानेगी नहीं, या सिमिलर मैं कहूंगी तो ये सुनेंगे नहीं और मेरी बात नहीं मानेंगे। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है एक पॉइंट जिसको हम कंपैटिबिलिटी में गिनते हैं, कि अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है तो कौन जाके पहले झगड़े को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, तो कौन पहले मनाता है, कौन पहले सॉरी बोलता है? कई बार रिश्ते में एक इंसान सॉरी बोलता है तो दूसरे को लगता है मैं क्यों सॉरी बोलूं और मैं ही हर बार क्यों सॉरी बोलूं। तो ये जब आपने बोला कम्युनिकेशन में दोनों का गुड लिसनर होना जरूरी है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को रिजॉल्व करना है तो किसी एक को पहले समझदारी दिखानी होगी, और समझदारी वही दिखाएगा जिसके लिए वो खुद की इम्पोर्टेंस भी और रिश्ते की इम्पोर्टेंस भी है। अगर रिश्ते की इम्पोर्टेंस है तो मुझे रिश्ता चलाना है, सबसे पहले दिमाग में दोनों की ये सोच होनी चाहिए मुझे ये रिश्ता चलाना है तो डेफिनेटली अब मुझे इसकी बात को सुनना है और उसमें एम्पैथेटिक होना है। जब आपने एम्पैथेटिक की बात करी तो उसको सोल्यूशन नहीं देना, आपने कुछ बोला, आपको पता लग गया सामने वाले ने गलत बोला है, आपने उसे पॉइंट आउट नहीं करा बल्कि आपने उसे रिपीट करा, आपने वो एक्नॉलेज करा, अच्छा तुम ऐसा कह रहे थे, अच्छा तुम ऐसा कह रही थी। तो मोस्टली क्या होता है, हम जब रिलेशनशिप में होते हैं हम सामने वाले को करेक्ट करने लग जाते हैं, तो एम्पैथी लैक होती है। तो मोस्टली रिश्तों में एम्पैथी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है, जो मैंने कपल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड आउट करी है, नैगिंग और कंट्रोलिंग बिहेवियर, देन लाइफस्टाइल और हैबिट। जैसे एक पर्सन जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है, दूसरा पर्सन इतना नहीं है, क्योंकि आई बिलीव मैरिज मींस एक्सेप्टिंग अदर पर्सन एज इट इज। अगर हम छोटी छोटी बात एक दूसरे को रोज कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दे, छोटी छोटी बात पर, आज तुमने बहुत अच्छा कलर पहना है, ये तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, आज तुम्हें ये शर्ट सूट कर रही है या तुम्हें ये टाई सूट कर रही है, तो अगर मुझे लग रहा है ग्रेटिट्यूड को बनाए, we feel proud my partner is doing certain things, maybe वो एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है या वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है या वो पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है या उसकी अचीवमेंट्स पर, या मेरी बीवी जो है घर में बहुत अच्छे से परिवार को रखती है, मेरे बच्चों को रखती है या मेरे माँ बाप का ध्यान रखती है, तो वॉट आर द कैलिबर, इट मे बी क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन, यू कॉम्प्लीमेंट एंड फील प्राउड ऑफ दैट ओके देर इज समथिंग गुड। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम पर्सन की पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती है जो रिलेशनशिप में आगे जाके हैम्पर करती है, आपकी चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, आपके लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, जो आगे आके रिलेशनशिप में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कंपैरेटिवनेस में चले जाते हैं। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक कम खर्च करने वाला होता है, एक ज्यादा खर्च करने वाला होता है, तो मैं बोलती हूँ बजटिंग बना लो, आपकी इनकम कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, हम सेव कितना करेंगे। एक पर्सन को फ्यूचर की ज्यादा फिक्र होती है, एक पर्सन को प्रेजेंट में खर्च करना होता है, तो आप इक्वेशन बना लो, हमें अगला 20% सेव करना है, 20% प्रेजेंट में खर्च करना है। सो ये आपने बहुत अच्छी बातें कुछ बताई कि नागिंग नहीं, एप्रिसिएशन होना चाहिए, एंड मिडिल पाथ, हर चीज में दोनों अगर अलग अलग इंटरेस्ट है तो कहीं बीच का रास्ता निकालना है, अच्छी बात है ये। लेकिन डॉक्टर निशा, मैं फिर से कुछ बड़े इश्यूज पर आऊंगी, जैसे ये तब मुमकिन है जो ये आप सब बता रही है, तब मुमकिन है जब दोनों पार्टनर्स जो है वो रेसिप्रोकेटिव है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। अगर जैसे हम इस कार्यक्रम में स्पिरिचुअलिज्म की बहुत बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म ये कहता है कि यू शुड एक्सेप्ट पीपल विद देयर इम्परफेक्शंस, जैसे आपने भी अभी कहा कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, बट टेल मी समथिंग, ये तो तब मुमकिन है ना जब हम
या दोनों पार्टनर्स जो है वो स्पिरिचुअली एम्पावर्ड है, वो विजडम उनके पास है, जो आप इतनी सारी बातें बता रही हैं कि हमें बीच का रास्ता निकालना, ये सब तभी मुमकिन है अगर हम कम्युनिकेटिव हैं, अगर हम रेसिप्रोकेटिव हैं। लेकिन अगर एक भी पार्टनर रेसिप्रोकेटिव नहीं है तो फिर दूसरा चाहे कितना भी वाइज क्यों ना हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को हैंडल करना। डू यू अग्री विद मी कि हम लोगों को कहीं ना कहीं पहले अपने आप पर काम करना है, फिर हम अपने पार्टनर पर काम कर सकते हैं? यस, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दो हैप्पी इंसान हैप्पी मैरिज में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मैं और या मेरा पार्टनर इंडिविजुअली हैप्पी नहीं है तो हम दोनों शादी में खुश रह ही नहीं सकते। तो ये हर एक कपल को इस बात का ध्यान रखना है अपनी पर्सनल हैप्पीनेस का। अगर आप एज ए पार्टनर सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात करिए ना, क्योंकि कोई भी पार्टनर आपको 24 घंटे खुश नहीं रख सकता। एक पार्टनर के साथ हेल्दी बॉन्डिंग, हफ्ते में 5 से 7 घंटे पॉजिटिवली साथ बिताना इज गुड इनफ, एंड पार्टनर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम ये एक सोच रख ले, पार्टनर मेरी जिंदगी का या शादी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं मेरे और आपकी जैसे, तो जो काम भी करती हैं, तो टेक मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेक योर ओन आइडेंटिटी इनटू अ करियर, आई सी सोशलाइज, मेक फ्रेंड्स, हैव अ रिलेशनशिप आउट ऑफ योर फैमिली, हैव वन टू वन रिलेशनशिप विद इन-लॉज, एटलीस्ट वर्किंग रिलेशनशिप तो बना के रखिए। साथ ही साथ मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा बॉन्डिंग करिए हर एक के साथ। हम आई वुड से एक मेट्रो सिटीज के लाइफस्टाइल में जो लोग स्पेशली रह रहे हैं, एक फास्ट पेस लाइफ है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, कलीग्स के साथ जितना भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रह सकता है कि जब आपको जरूरत पड़े तो कोई आपके साथ हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते। मैं यहाँ खासतौर पे महिलाओं की बात करना चाहूंगी, आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते, आपके कोर बिलीव्स मैच नहीं करते, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड से बहुत फियर बेस्ड होती हैं, और कामकाजी महिलाओं के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि जितनी भी महिलाएं इस समय हमें सुन रही हैं जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में हैं, अपनी खुशी प्रायोरिटी पे रखनी है, अपने गोल्स को बिल्कुल आपने अचीव करना है जाके। एंड आई थिंक इट्स अ राइट डॉक्टर निशा, ये हर कोई कर सकता है, इस पे किसी की रोक का कोई मतलब ही नहीं है, ये हम सबका पर्सनल राइट है कि हम जो जिंदगी में चाहें वो हम कर सकते हैं। और डॉक्टर निशा ने जैसे कहा कि अपना फ्रेंड्स आउटसाइड योर मैरिज, यू कैन हैव फ्रेंड्स, यू कैन यू नो टॉक टू देम, यू कैन वेंट आउट फीलिंग। सो देखिए, बाउंड्री सेट करना हमारे हाथ में है। वही मैं लास्ट एक पॉइंट बोल रही थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है I means हम अपने आप में, whether I am happy with myself, जब आप spirituality की बात करती है, even psychology की भी बात करें, तो we talk about the person's happiness is very important। और शादी में अगर आप सामने वाले को या खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप खुद की एग्जिस्टेंस को, आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दोगे। तो हमें अपने आप को, हम क्या चाहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने आप के ख्याल रखने की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं लव थाई सेल्फ, सो लव थाई सेल्फ इज लाइक व्हाट, हाउ यू कैन लव योरसेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, डाइट, एक्सरसाइज, यू टेक केयर ऑफ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल हेल्थ, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यू आर अवेयर अबाउट दैट, यू आर शेयरिंग योर हार्ट आउट, इमोशनल ग्रोथ, whenever you are stressed, with whom you can share your problems, with whom you can approach, then spiritual health, jaise aapne bola, spiritual health is not about that just chanting the name of God, spiritual health is whatever you have, thanks for that, and then your personal hobbies, interest, your likings, your disliking, and your personal dreams, which may be different from your partner, what you said it, so then you have to define. For example, I need a personal space. I tell my partner, I need a personal space. Otherwise, I will not be happy. So setting the boundaries in my hands, because it is my internal happiness. And when your level of patience, your level of happiness is more higher, you will be more calmer down. True. You will be more, I will say, flexible towards other. You will not react on things. You will be more receptive. Car mein driver jo hai, wo gear dalta hai, first dalta hai, second dalta hai, third dalta hai, apni samajh ke according. To aapki life hai,
उसका आप कमांड अपने पार्टनर को देते हैं, अपने पेरेंट को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, वो किसे देते हैं या अपने इन-लॉज को देते हैं, वो आपके हाथ में। एक बहुत डिफरेंट कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। यू जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला अपने आप आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिक थिंग इज आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज इट इज, देन अदर पर्सन आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग लाइक एक्नॉलेजिंग यू। हर एक इंसान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो सबसे पहले मुझे अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को मेजर करना है और फिर हमें कंपैरिजन नहीं करना कि नहीं मेरी जैसे वो होता है ना, सास भी कंपैरेटिव करती है भाई, तुम्हारी मेरी जो फ्रेंड की बहू है तो वो तो तुम कर लेती है ऐसा, या मेरी बेटी तो ऐसा करती है तुम ऐसा करती हो। सेम वे हम फीमेल्स कंपेयर करती है, मेरी बहन के ससुराल में ऐसा होता है और मेरे साथ और मेरी फ्रेंड के यहाँ ऐसा होता है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। सो आपकी बात से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि हमें विक्टिम मेंटालिटी का शिकार नहीं होना है, अपनी वर्थ को समझना है और अपने आप से जो लोग प्यार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी से भी शादी करना या किसी लव अफेयर में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के स्लेव बन गए हैं। आपकी खुद की जिंदगी है जो आपको जीनी है, लेकिन हाँ किसी का हाथ पकड़ के आप जीते हैं। जो रिश्ता बहुत जहर बन गया है, जिसमें बहुत ज्यादा गांठें आ गई हैं, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं है, किसी तरह की बातचीत की गुंजाइश नहीं है, बहुत से लोग हैं जो बहुत सफोकेट होकर जीते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ऐसे रिश्ते में आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्या उस रिश्ते से बाहर आ जाना ही सही निर्णय होगा? मेरा ऐसा मानना है जिस रिश्ते को निभाया ना जा सके ना, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दे। तो अगर रिश्ते को खत्म करना है और एक समय पर आके आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है इस रिश्ते में, आप बहुत ज्यादा सफोकेट फील कर रहे हैं, आपकी खुद की एग्जिस्टेंस लूज हो रही है, देन मुझे लगता है अगर आपको अलग भी होना है तो प्लान आउट करके होइए और एमिकेबली होइए, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग इट एट ए बिगर टर्न। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी हमें एग्जिट करना पड़ता है किसी रिश्ते से, बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते में हम अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, कोई भी रिश्ता वही रिश्ता हमारे लिए सही है, वो टॉक्सिक नहीं है, जो हमारी ग्रोथ में हाथ से जो हमें अपलिफ्ट करे। अगर कोई हमें अपलिफ्ट करने की बजाय जो रिश्ता हमें नीचे को खींच रहा है, डाउनग्रेड लेके जा रहा है, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो ऐसे में अगर हम एमिकेबली करें चीजें बहुत अच्छी हो। डॉक्टर निशा, लोग क्या कहेंगे, ये शायद एक इतना बड़ा प्रेशर होता है किसी भी और प्रेशर के मुकाबले, कि लोगों अगर हमने रिश्ता तोड़ दिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर गलती से किसी कपल ने लव मैरिज कर ली है तो फिर तो पेरेंट्स बिल्कुल उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि तुमने चुना है अब तुम भुगतो, अब तो तुम्हें जैसे तैसे जियो पर जियो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया, तो इसकी चिंता करनी चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे लगता है अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर इज यू, आपकी हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप घर में बीमार पड़ रहे हो तो क्या ये लोग आ रहे हैं? अगर आपके पास खाने को नहीं है, क्या ये लोग दे रहे हैं? जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो क्या ये लोग कर रहे हैं? तो बेसिकली सिक्स वो रिलेशनशिप मैटर करें आपके लिए जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, वो डेफिनेटली मैटर करने चाहिए और करते भी हैं। बट अगर लोग जो हमें जानते भी नहीं है और हमारे बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके बारे में सोचना व्यर्थ है। हम क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान की सोच है, हम किसी को जानते भी नहीं है बट हम जजमेंट देने में तैयार रहते हैं, चाहे वो रिया सुशांत का केस हो, हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में एक्चुअली में कुछ नहीं जानते हैं बट वी आर रेडी टू गिव ए जजमेंट। तो मुझे लगता है हम अगर नॉन जजमेंट हो जाएं और खुद को, क्योंकि समाज किससे बनता है, हम और आप जैसे लोगों से बनता है, शुरुआत किसी से तो होगी, हर हम और आप जैसे लोग अगर नॉन जजमेंटल बनना शुरू कर दें, हम किसी को जज ना करें ये तय कर ले, हम किसी को जज नहीं करेंगे और कोई हमें जज कर रहा है तो हमें बुरा क्यों माने, वो तो हमें जानता ही नहीं है ना, वो हमारे बारे में जानता ही नहीं है। और वो बोलते हैं ना, अगर मछली को पानी से बाहर निकालकर पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, उससे जज किया जाए तो वो बेवकूफी होगी। तो मुझे लग रहा है दुनिया क्या कहेगी, ये सोच को एक दायरे पर रखकर, एक साइड पर रखकर हम जिंदगी जिए। हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या मुझे दुनिया में इन सब दुनिया वालों की जरूरत है? मुझे लगता है एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए आपको एक अपने आप की जरूरत है और कुछ चंद लोगों की जो आपको समझ सके,
तो वो अगर समझदारी अगर रिश्ता है तो मुझे नहीं लगता, अगर मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं तो मैं शादी में रहूं या शादी से बाहर मुझे तब भी पसंद करेंगे। सो मेरे पास पैसा रहे या ना रहे तो भी पसंद करेंगे। और साथ में जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, वो चंद लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं जिसमें माता पिता भी है, क्या माता पिता खुश रहेंगे जब वो अपने बच्चों को खुश ही नहीं देखेंगे? तो इसलिए बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि आई थिंक ये एटीट्यूड अगर हम अपनी लाइफ में रखते हैं कि लोग जब आप परेशान हैं तो क्या आपको आकर संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे, तो फिर उन लोगों की चिंता क्यों करनी है जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान में रखेगा। और डॉक्टर निशा, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी जो बस अभी अभी शादी करने ही वाले हैं, अब वो अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं, कैसे कॉन्शियसली हम अपना पार्टनर चूज करें ताकि हमें ये सब चीजें डिस्कस करने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए, मुझे लगता है जब हमारी क्लैरिटी खुद को लेकर बहुत क्लियर होती है तो पार्टनर को चूज करने में भी हम गलती कम करते हैं, अगर करते भी हैं तो हमें, मुझे क्योंकि अरेंज मैरिज में तो 2-3 सिटिंग्स में ही डिसाइड करना पड़ता है वेदर दिस पर्सन इज राइट पार्टनर नॉट। अगर आप लव मैरिज में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज कोर्टशिप पीरियड लीजिए, उस कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए, अवॉइड मत करिए। जहां भी आपको कंफ्यूजन आते हैं ऑब्जर्वर भी बनिए, वो बहुत जरूरी है। सामने वाले को चेंज मत करिए। मुझे लगता है जब सामने वाला आपसे प्यार करता है या आप किसी को प्यार करते हो तो आप ऑटोमेटिकली कुछ चीजें करते हो चेंज होने के लिए। आपको बोलना नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करते हो तो दारू पीना छोड़ दो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो सिगरेट मत पियो। वो पर्सन अपने आप वो एफर्ट करता है, मतलब अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो मुझे लगता है वो एफर्ट करेगा फिजिकली फिट होने के लिए। तो जब कोई सामने वाला प्यार करता है तो प्यार में चीजें कराई नहीं जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। तो मुझे लगता है, मैंने बहुत बार देखा है कि जब फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स खाना बनाना नहीं उनको अच्छा लगता, बट जब वो पति से प्यार करती है तो उसके लिए कुकिंग भी करती है। सेम वाइस वर्सा, एक हस्बैंड अगर एक्सपेक्ट करता है कि मेरी वाइफ जो है वो अच्छे से खाना बनाए तो डेफिनेटली वो खाना बनाने की जब बात आती है तो वो बात में कम से कम यही आ जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर को खाना बनाना नहीं आता, आई कैन एडजस्ट विद दैट। चलो कभी महीने में तुमने एक डिश बना दी प्यार से, बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो मुझे लगता है दोनों अगर एक हो ना, हम शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस की अगर हम कभी भी बात करते हैं तो मुझे लगता है वो म्यूचुअल शब्द होता है। तो अगर शब्द म्यूचुअल है तो चीजें अपने आप आसान होती हैं। तो हम इस चीज पर ध्यान दें, सिर्फ हम ही दे तो नहीं रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं हमें रिश्ते में मिल रहा है। इट दिस इज कॉल्ड अबाउट गिव एंड टेक, मैंने दिया और मुझे लिया, ये जिंदगी का लॉ भी है ना, हम सांस लेते हैं और सांस देते भी हैं। ऐसा नहीं है देते जाए और सांस ले नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सेम वे रिश्तों में भी होती है। तो अगर हम रिश्तों में रहेंगे तो सांस मिलती रहेगी, रिश्तों में हमें पॉजिटिविटी मिलती रहेगी तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, मुझे लगता है। दैट इज व्हाई आई सेड इट इज म्यूचुअल। और जहां म्यूचुअल नहीं है, हमें स्टैंड लेना है, अपने लिए लेना है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट प्लीज हैव अ कैलकुलेटिव प्लान इन दैट वे। मुझे हमेशा ये लगता है आप कैलकुलेटिव होकर प्लान कर चीजें जब जिंदगी में करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से आप उसमें सक्सेसफुल हो पाते। अनकंडीशनली प्यार करना कितना जरूरी होता है और क्या मुमकिन है अनकंडीशनली प्यार करना? देखिए, अनकंडीशनली का मतलब हो गया देना, पर मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। मैं किसी से प्यार करती हूँ, ठीक है, प्यार करती हूँ तो मैं उसको दूंगी, पर बदले में मैं कुछ तो चाहूंगी। अब वो कुछ रिस्पेक्ट भी हो सकता है, कुछ वक्त भी हो सकता है, एक वी शुड बी एटलीस्ट रियलिस्टिक। तो एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिस्टिक आए, अनकंडीशन लव इज मैं सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ, जो मुझे अनकंडीशन लव की डेफिनेशन समझ में आती है एज एन एक्सपर्ट एज ए पर्सन। अनकंडीशनल लव इज मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। सिमिलर पार्टनर भी ये कहेगा तुम खाना बनाओ या ना बनाओ, मेकअप करो या ना करो, तुम मुझे पसंद हो जैसी हो। सो दैट इज अनकंडीशनल लव। वी आर नॉट फोर्सिंग ईच अदर कि हम एक दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। और पर बदले में जिसे आप प्यार कर रहे हैं, अगर वो इज्जत देगा आपको, अगर वो रिस्पेक्ट देगा आपको और बदले में थोड़ा सा प्यार आपके तरीके नहीं से तो अपने तरीके से दिलाए, आपको आई लव यू नहीं बोले तो स्पेशल फील करा दे, बात तो वही है। अगर तरीका जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का प्यार करने का आप ही का वे हो। कई बार हो सकता है पार्टनर इतना ज्यादा एम्बिशियस नहीं है पर उतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, क्योंकि वो आपको खुश रखना चाहता है, आप एम्बिशियस हो और आप उनकी उनकी वजह से एक बैक सीट ले रहे हो करियर में। तो
ये एक मुझे लगता है अनकंडीशनल लव में जब हम देते हैं तो सामने वाले को भी समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत ही थिन लाइन है डॉक्टर निशा ने जो पहले कहा और जो वो आप कह रही हैं। खुद के लिए जीना जरूरी है, लेकिन ये कहना कि हम दूसरे को बिल्कुल पूछेंगे ही नहीं, हम उन्हें टाइम ही नहीं देंगे, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, हम तो अब जो चाहेंगे अपने आप अपनी मन मर्जी का करेंगे, वो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आप किसी से अपने रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको समय तो देना है और उसको अटेंशन भी देना है, थोड़ा बहुत केयर भी करना है, तभी वो रिलेशनशिप को हम सींचना, उसी को शायद सींचना कहते हैं। और अगर आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ही सुलझ नहीं रही है, तो डॉक्टर निशा जैसे मैरिज काउंसलर्स हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, आप तक भी डॉक्टर निशा वही लोग पहुंचते हैं जहां दोनों पार्टनर्स विलिंग होते हैं बात करने के लिए, राइट? हाँ, बट बहुत बार ऐसा होता है इंडिविजुअल पार्टनर्स भी आते हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं। एंड आई ऑलवेज सीज अगर एक पार्टनर आया है तो हम दूसरे पार्टनर को सन मान लेते हैं कि वो तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा या हिलेगी, तो हमें उस एक पर्टिकुलर पार्टनर पर काम करना है। और बहुत बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि पहले इंडिविजुअली पार्टनर आया है और उसके 6 महीने बाद पार्टनर दोनों साथ में आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने आप में चेंज आता है तो वो बोलते हैं हाँ एक्चुअली मैं काउंसलर के पास गया था या गई थी जो तुम्हें मुझ में चेंज दिख रहा है। बहुत सुंदर बात। सो देखिए, हेट्रेड इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट यू। किसी से भी नफरत करेंगे तो आपकी खुद की एनर्जी डिप्लीट होगी। आप या तो खुद को बदल डालिए या फिर कोई बीच का रास्ता निकालिए और या फिर बिल्कुल अलग हो जाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर सोचिए, विचार कीजिए और एक सही निर्णय अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए लीजिए। लेकिन निर्णय आपका ही होगा, ये निर्णय आपको खुद लेना है, ये निर्णय आपके लिए कोई और नहीं लेगा। तो अपनी खुशी को प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी लाइफ की दिशा को डिसाइड कीजिए। डॉक्टर निशा, आज आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, एंड आई एम श्योर इस कॉन्वर्सेशन से बहुत से कपल्स को बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। सो आज द माइंडफुल लाइफ में बस इतना ही। इसी तरह और भी विषय हमसे साझा कीजिए, हम आपसे आपके उन सभी विषयों को आने वाले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मच लव, लाफ्टर, लाइट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।